मैं कमी गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून मैम थैंक यू आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहाँ से हुई है बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर भागलपुर उसके बाद आप क्या कर रही हैं सर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया विश्व भारती यूनिवर्सिटी से एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में 2024 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है ना जी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है विश्व भारती तो जी सर किस डिस्ट्रिक्ट में है सर वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं किस डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जी विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है सर वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था सर उसमें ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश हुआ था विश्व भारती यूनिवर्सिटी मुझे डेट डेट नहीं ईयर कुछ हाँ वो ईयर कितना पुराना है सॉरी सर मुझे ईयर तो नो सर ठीक है आप ये बताइए मास्टर्स आपने किस उसमें रिसर्च किस टॉपिक पे किया सर ब्लैक टर्मरिक टॉपिक क्या था इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑन द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ब्लैक टर्मरिक काली हल्दी उससे उसका आपको जो आपका रिसर्च था डिसर्टेशन वर्क था उसमें क्या फाइनल आपको रिजल्ट मिला सर फाइनल रिजल्ट जो मेरा सर ट्रीटमेंट था तो उसमें जो मेरा ट्रीटमेंट सर T7 था मतलब पोल्ट्री मैनुअर था और वर्मी कंपोस्ट था सर उसमें मेरा सारा जो भी पैरामीटर्स था उसमें हाईएस्ट यील्ड था सर तो क्या उस रिसर्च वर्क का कुछ एग्रीकल्चर में आगे फिर फ्यूचर में रोल होगा उससे कुछ फ़ायदा एग्रीकल्चर को भी हो सकता है यस सर क्योंकि सर ब्लैक टर्मरिक जो है सर वो एकदम मतलब अभी एक्सटिंक्ट स्पीसीज के इधर आने वाला है सर और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है मतलब कैंसर्स में बहुत सारा मेडिसिन बनाने में सर उसका यूज़ होता है और वो एक्सटिंक्ट होने वाला है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही ज़्यादा होता है तो सर इसलिए हम मैंने और मेरे गाइड ने सर ये इस पर किया था ताकि हम उसको एक्सटिंक्ट होने से सर बचा सकें आप ये बताएं कि एग्रीकल्चर के लिए yes, कहीं एग्रीकल्चर करना है तो क्या क्या उसके लिए चाहिए होता है क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज होंगे सर सॉइल वाटर और क्लाइमेट सर बिहार में जो हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है उस पर आप क्या बताना चाहेंगे उसका ओवरव्यू आप क्या देना चाहेंगे सर जहाँ तक सर बिहार का एग्रीकल्चर का बात है सर हमारे यहाँ प्रोडक्शन वगैरह तो सब कुछ सही है सर बट हम अच्छे से स्टोर नहीं कर पाते हैं और ना ही सर हमारे यहाँ एक भी सर कोई भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट का इंडस्ट्री नहीं है सर हमारे यहाँ तो जो भी हमारे पास आता है वो उस किसान को उसी टाइम बेचना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ना ही तो स्टोरेज फैसिलिटी है और ना ही हमारे पास कोई इंडस्ट्री है जो कि उसका वैल्यू एडिशन करके उस पर कोई नया प्रोडक्ट बना सके कुछ बता सकें अगर टीम कोई वैल्यू एडिशन के लिए तीन तरह की कोई इंडस्ट्री बताइए जो कि बिहार में उसका स्कोप है सर जैसे हमारे पास सर लीची का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो हम लीची स्क्वैश बना सकते हैं सर मैंगो का प्रोडक्शन है तो सर मैंगो पिकल्स बना सकते हैं और मैंगो का जूस भी बना सकते हैं सर और सर मखाना हमारा वर्ल्ड वाइड फेमस है और उसमें सर बहुत सारे प्रोटीन के सोर्स है सर तो हम उसके भी पैकेजिंग वगैरह करके हम सर इंटरनेशनल मार्केट में भी सर उसका बेच सकते हैं कुछ कर सकते हैं अच्छा जीरो टीलेज टेक्निक जो है ये क्यों क्यों इसको प्रेफर किया जाता है सर जीरो टीलेज इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि सर जीरो टीलेज में सॉइल को हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं मतलब जहाँ पे हमें क्रॉप डालना है बस वहीं पे सॉइल डिस्टर्बेंस होता है बाकी जगह हमारा सॉइल एकदम क्या फ़ायदा होता है उससे सर सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है सर इरोजन कैसे मेंटेन रहती है वही आपको बताना है क्योंकि सर जब हम इसका मैकेनिज्म बताइए कि टीलेज नहीं करते हैं या जीरो टीलेज करते हैं yes. तो कैसे सॉइल की आप जैसे बता रही हैं सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहता है yes. उसका मैकेनिज्म सर जैसे हम बहुत सारा मशीनरी का यूज़ करते हैं टीलेज के लिए तो सर हमारा सॉइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है सर और बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी की वजह से हमारे सॉइल में सर हार्ट पेन वगैरह भी डेवलप हो जाता है सर तो इस वजह से अगर हम जीरो टीलेज करते हैं तो हमारा सॉइल अनडिस्टर्ब ही रहता है सर आपने एग्रो बिजनेस से किए हैं नो मैम एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी से एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में सुना होगा आपने यस मैम आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो बॉटल नेक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वो क्या क्या है सॉरी मैम कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो हर्डल्स हैं यस मैम वो क्या क्या है
मैम एग्रीकल्चर मार्केट में जो हर्डल्स है मैम, जो हमारा मिडिल मैन है शायद से, क्योंकि हमारे फार्मर्स तो मिडिल मैन को बेचते हैं और मिडिल मैन फिर इंडस्ट्री में ले जाते उनका प्राइस, या फिर नॉर्मल लोगों के पास ले जाते हैं, वो प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है मैम। तो एक हर्डल तो ये है मैम। और दूसरे हर्डल है मैम कि हमारे किसान को सही मार्केट नहीं मिल पाता उनके प्रोड्यूस को बेचने के लिए, ना ही तो सही मार्केट मिल पाता है और ना ही तो सही प्राइस मिल पाता है मैम। तो ये दूसरा हर्डल हो सकता है। ओके, आपने टर्मेरिक पे किया है, ब्लैक टर्मेरिक। यस मैम। मुझे बता सकते कि टर्मेरिक की कितनी वैरायटी प्रेजेंट है वर्ल्ड में? मैम टर्मेरिक की वैरायटी तो प्रेजेंट, मैम टर्मेरिक या ब्लैक टर्मेरिक? टर्मेरिक, टर्मेरिक मैम मुझे वैरायटी है, पर मुझे मैम अभी वैरायटी याद। अच्छा, ब्लैक टर्मेरिक की बता दीजिए। नो मैम, ब्लैक टर्मेरिक की कोई वैरायटी नहीं मैम, अभी तक कोई वैरायटी है ही नहीं। उसका जो लोकल किसान से मिलता है उसी से कल्टीवेट किया जाता है, हम लोगों ने इसीलिए इस पे काम किया था मैम। ओके, आपने विश्व भारती यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? यस मैम। तो शांति निकेतन के बारे में जानती होंगे? यस मैम, शांति निकेतन में ही है मैम। हाँ, अभी उनको उसको हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड किया गया है। यस मैम। आप मुझे बता सकती है कि अभी तक इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? मैम एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है मैम मुझे। अच्छा, अप्रॉक्स मैम 114 आई थिंक, मुझे याद नहीं मैम, सॉरी मैम। देख लीजिएगा इस। यस मैम। ओके, आपकी यूनिवर्सिटी उससे जुड़ी हुई है। यस मैम। मुझे ये बताइए कि मिलेट का काफ़ी प्रचार हो रहा है, मिलेट को मिरेकल क्रॉप कहा जाता है। यस मैम। क्यों ऐसा, उसको मिरेकल क्रॉप कहने की वजह कुछ? क्योंकि मैम एज कम्पेयर टू हमारा जो नॉर्मल क्रॉप है राइस वीट, उससे कम्पेयर में मैम कोर्स मिलेट जो है हमारा, उसमें प्रोटीन का सोर्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। प्रोटीन, मिनरल एंड CHO जो भी है मैम, इसके कम्पेयर में वो ज़्यादा है, इसलिए मैम उसको मिरेकल क्रॉप कहते हैं। ओके, जैसा मैं देख पा रही हूँ हॉबी है आपकी कुकिंग एंड रीडिंग बुक्स। यस मैम। तो कुकिंग और दो हॉबी कैसे? मैम दो हॉबी है। अच्छा, आप कुकिंग करती हैं और बुक भी पढ़ती हैं, तो आपने कुकिंग से रिलेटेड बुक पढ़ी है? नो मैम, मैं बुक जो मैं पढ़ती हूँ मैम, वो मेरा माइंड सेट डेवलपमेंट पे ही रहता है सारा मैम, वो मेरा टॉपिक है। अच्छा, तो कौन कौन सी इससे रिलेटेड बुक पढ़ी है आपने? मैम जैसे मैंने रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, ये सब बुक पढ़ी है मैम मैंने। सबकॉन्शियस माइंड, ये सब पढ़ी है। सबकॉन्शियस माइंड, ओके। आपकी हॉबी कुकिंग है और आपने ब्लैक टर्मेरिक पे किया है। यस मैम। सब्जी में टर्मेरिक यानी कि हल्दी तो डलती है। यस मैम। मुझे कोई ऐसी 5 डिश बताइए जिसमें हल्दी का प्रयोग नहीं होता है तब भी वो स्पाइसी हो, मतलब सॉल्टी है। उसमें हलवा ये समझ बताइएगा, स्वीट डिश किसी सॉल्टी डिश में बताइए जिसमें आप हल्दी का बिना प्रयोग किए हुए आप उस डिश को प्रिपेयर करेंगे। ओके मैम, मुझे 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम चाहिए। एकदम सोच लीजिए। मैम मुझे अभी एक याद आ रहा है मैम, मोमोज। ठीक है, मोमोज भी। ओके, चाउमीन। चाइनीज में जाएंगे तो मैम सारा मतलब चाइनीज या वे नो, यही दो याद आ रहा है मुझे, यही दो याद आ रहा है। ओके, टर्मेरिक प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है? ऊपर आता है एंड रूट मेनली सर सॉइल के नीचे होता है, बट मॉडिफाइड स्टेम्स अगर कुछ के क्रॉप्स के होते हैं जो कि मॉडिफाइड स्टेम रूट में कन्वर्ट होते हैं, तो सर उसका होता है सर। अगर कोई प्लांट है उसको कैसे पता चलेगा कि दैट इज द स्टेम नॉट द रूट? सो उसको मतलब सॉइल का ऊपरी भाग सर। प्लांट प्लांट के स्टडी करते हैं तो उसमें तो डिफाइन होता है कि नोड्स नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट रहते हैं। यस, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। यस, दैट इज। अपनी एग्रोनॉमी से पढ़ाई की?
Yes. अगर पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस अभी भी देखा जाता है कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा है, तो क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए अभी के समय के अनुसार कि इस लॉस को कम किया जा सके? सर इन मतलब जनरल क्रॉप्स है और फ्रूट क्रॉप्स है, फ्रूट क्रॉप्स में इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा सर कोल्ड स्टोरेज विलेज लेवल पे भी सर इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा ज़्यादा लॉस होता है वो सर हमारा किसान के फील्ड से मार्केट जाने में ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है सर। और सर अभी फिलहाल के लिए मुझे यही याद आ रहा है। यस सर, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए सर। समय पहले बताया कि बिहार गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं कर रही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, ऐसा जहाँ तक मेरा ख्याल है सर, मतलब एक भी मल्टीनेशनल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैंने बिहार में नहीं देखा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो चला रही है ना इसे, वही सर काम सर हो रहा है अभी, और भी बहुत सारा काम सर बाकी है। फूड मेगामार्ट? नो सर, बिहार में कहीं एस्टैब्लिश किया जा रहा है फूड पार्क? आई थिंक सर बेगूसराय में और भी जगह स्वाइल देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर का सबसे अगर स्प्रिट होता है उसके बिना एग्रीकल्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है। स्वाइल में क्या क्या फैक्टर होते हैं स्वाइल फॉर्मेशन में? सर क्लाइमेट, टाइम और सर वाटर, विंड, क्लाइमेट, टेम्परेचर किया जाता है स्वाइल की बात करें कैसे रिलेशन दिखा सकते हैं सर? क्लाइमेट तो एक क्लाइमेटिक फैक्टर तो होता है सर, रॉक से सॉइल बनने में अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो सर टाइम कम लगता है सॉइल बनने में, इस तरह से क्लाइमेट से रिलेटेड सॉइल बनने में या इरोजन इरोड होने में? इरोड होने में तो सर इरोजन फैक्टर लाइक वाटर एंड विंड आ जाता है सर। क्लाइमेटिक फैक्टर हाँ सर हो सकता है सर। अगर कोई एग्रीकल्चर क्रॉप्स करना है तो उसका पीएच वैल्यू नियरली आइडियल कितना होना चाहिए? नियरली सर न्यूट्रल, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल रहना चाहिए सर। बेसिक भी मतलब 6 to 8 तक सर मतलब आइडियल माना जाएगा सर। सॉइल सेलिनेशन किस कंडीशन में? सॉइल सेलिनेशन सर जब 8 से ज़्यादा हो जाएगा पीएच तब होगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करें सर? अगर सलाइन सिर्फ रहेगा सर तो हम फ्लडिंग कर सकते हैं सर, ताकि साल सारा हमारा लीच आउट हो जाए सर। लीच आउट आपने बोला, यस। लीचिंग क्या होता है और नेचुरल है लीचिंग का? सर लीचिंग हमारा जब सॉइल से जो भी मिनरल हमारा वाटर के साथ लीच आउट करता है ना, सॉइल से बाहर चला जाता है, तो सर उसको लीचिंग बोलते हैं। और कुछ बिहार की कुछ स्कीम बताइए जो सॉइल से रिलेटेड है। सर सॉइल से रिलेटेड तो सर मुझे वो एक मृदा परीक्षण और क्या बोलते हैं वो केसीसी सॉइल हेल्थ, ये तो मतलब बिहार का है, ये तो सेंट्रल का है शायद सर। बिहार गवर्नमेंट कुछ ला रही है? यस। आपका सिलेक्शन होता है तो आप किस पद पे काम करेंगे? सर एसडीओ सब डिविजनल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कृषि विभाग में बीएओ से लेकर मुख्यालय स्तर तक जो हायरार्की है वो बताइए। सर बीएओ, एसडीओ एंड डीओ। डीओ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चरल ऑफिसर, सब डिविजनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर। एग्रीकल्चरल नहीं होता, एग्रीकल्चर ऑफिसर। ओके थैंक यू सर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सॉरी सर। आपने कुछ पता किया है कि आप यहाँ बीएओ ज्वाइन करेंगे तो कहाँ तक आपको प्रमोशन मिलेगा, किस पोस्ट तक? सर मैंने सर देखा था डीएओ तक, तो मैंने देखा डीएओ तक मिलेगा। तब आपको क्या लग रहा है, आपने इतनी हायर स्टडीज़ की हुई है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, तो आप सेटिस्फाइड हो पाएंगे अगर ब्लॉक लेवल पर काम करेंगे? बहुत लेवल 7 का ये जॉब है ना, तो क्या आप सेटिस्फाइड हो पाएंगे वहाँ
लगता है? यस सर। कैसे? सर अभी मैंने जस्ट पढ़ाई किया है तो सर मैं जब अगर जॉब में जाऊंगी और अगर लेवल थोड़ा कम भी है तो सर मतलब 7 भी मिलता है तो सर मैं अगर काम कर रही हूँ तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ना चाहूँगी सर, ना कि डायरेक्ट से सबसे ऊपर जाना चाहूँगी। तो समय पर जब प्रमोशन का समय पूरा होगा, सब कुछ सही पाया जाएगा तभी होगा जी, आपके चाहने से तो होगा भी नहीं। लेकिन ठीक है, आप ये बताइए कि आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए यहाँ इस पद के लिए? अपनी सुटेबिलिटी बताइए, कम से कम कोई 3 पॉइंट बताइए कि हम लोग को लगे कि आप सुटेबल हैं इस पद के लिए। सर मैं सर अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ सर, मैं डिसिप्लिन हूँ और मैं सर फार्मर्स के लिए जो भी स्कीम्स चलाई जाएंगी सर मैं उनका पूरा मैं चाहूँगी कि फार्मर्स को सारा बेनिफिट मिले और वो किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे, मैं अपनी तरफ से सर पूरी कोशिश करूँगी सर। ठीक, ओके, आपका इंटरव्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सिलेक्शन किस पे आपका? पहले तो उठ के आपको ऐसे नहीं निकलना है, फिर से उठिए, एक बार उठ के बाहर जाने का करिए प्रैक्टिस। नहीं, ऐसे नहीं जाना होता है, पीछे घूम के आपको जाना। आप ये मत सोचिए कि वापस यहाँ आना है, मॉक इंटरव्यू है ना, तो आप इंटरव्यू ही है, बैठिए यहाँ से बैठ के बाहर जाइए, बैठिए उठ के बाहर जाइए। ऐसे जाना? हाँ ठीक, अब लौट जाए, ऐसे ही जाना है, पीछे उठ के नहीं जाना। लेकिन उसके बाद मुड़ जाते, सब मुड़ के पीछे नहीं देखना है, ठीक है, सबके लिए है। हाँ, मंदिर थोड़ी ना है कि आप चार दरवाजों से निकलते हुए भी एक बार प्रणाम कर लेंगे। मंदिर में ऐसा होता है कि आदमी पीछे की ओर बढ़ते हैं, है ना, ये सब नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ये सब गलत डायरेक्शन, गलत दिशा, जो गलत गाइड कर रहे हैं उनके इसमें नहीं रहना है ना। घुसना है तो सामने से एकदम आना है, उसमें पीछे मुड़ना नहीं है, फिर और लौटना है तो भी सीधे बाहर की ओर मुड़ के फिर पीछे नहीं देखना है, या पीछे फेस आपका इधर नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे आपका हैंड मूवमेंट हो रहा था, यस मैम, हाँ जैसे आप रखी हुई थी वैसे रखिए कंट्रोल करके, ठीक है। बैठने का थोड़ा सा और स्ट्रेट, वैसे मैं तो सही बैठी थी, हाथ भी जो आप रखी थे ना, तो अभी तो मान लीजिए यहाँ फ्रंट क्लोज है तो आपका दिख नहीं रहा, थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, वहाँ तो साफ साफ दिखेगा, एकदम लग रहा है कि आप प्रयास कर रही हैं हैंड मूवमेंट रोकने का, पूरा ऐसे 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 ऐसे, है ना, थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं, पूरा स्ट्रगल आपका चल रहा था, वो दिख रहा था कि पूरा स्ट्रगल कर रही हैं हाथ को रोकने का, वो फिर आप इससे नर्वस होने लगी, क्या बोलते हैं इस तरह से आपका स्टार्ट हो गया लगा था। नहीं आता है कोई बात नहीं, छोड़ सकती है, सब क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं है। अब बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई हुई है ना, उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से जानकारी रखनी है, आपको प्रयास करना है कि अगर वैसा सवाल सवाल जाए तो बहुत अच्छा है, वो सब सिंपल सवाल है, उसको थोड़ा अपने यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री देख लीजिए, 2 साल आप वहाँ समय बिताए हैं ना, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। और इतना मतलब एक ऐसी जगह से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है, उसके पहले भी वो काफ़ी फेमस जगह है ना, वहाँ से कोई आएगी स्वाभाविक रूप से कोई भी जानना चाहेंगे आपसे, तो ये मान के चलिए कि ये सब तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस लाइन पे तो आपको एकदम तैयार रहना है कि सर पूछें, और हम पूरा 15 ही मिनट में इंटरव्यू चलेगा, तो 15 मिनट में अगर आपका एक्सपेक्टेड सवाल आ जाए तो इससे बेहतर क्या है आपके लिए, है ना, तो ये सब चीज़ एकदम उसमें कब इस्टेब्लिश हुआ एकदम तुरंत बताना है आपको, तो और डेट वेट सब के साथ बता देना है ताकि उनको पूरा सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ इसको सब पता है। दूसरा कि सॉरी नहीं, कुछ जगह पे आप नहीं बोल रहे थे, एक्सप्लेनेशन दे रहे थे लग रहा था, तो पहले सॉरी बोलना चाहिए कि सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे ये वो सॉरी शब्द निकलना चाहिए मुंह से, तब उसके बाद जो भी बोलना है रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। हैंड मूवमेंट तो बता ही दूँ मैम आपको, और एक सेंटेंस आप कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई भी स्टेटमेंट बोलिए उसको कंप्लीट करके उसको रोकिए, बीच में मतलब आधा ब्रेक करके रुकना है, बस थोड़ा बहुत है उसको ध्यान देना। ऐसे बहुत अच्छा जो भी मेरा जैसे क्वेश्चन था ओवरव्यू बताइए बिहार का एग्रीकल्चर में, सब बहुत अच्छा आप आंसर की, ओवरऑल आंसर बहुत अच्छा था आपका ना, इसलिए बस छोटा छोटा जो
कुछ कुछ पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए।